हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मुल्तानी मिट्टी में ये चीज मिलाकर लगा लीजिए और आपका फेस इतना गोरा और चमकदार हो जाएगा। जी हाँ, आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसा ही घरेलू नुस्खा जो आपके स्किन को एकदम ब्राइटन और टाइटन भी कर देगा साथ में। आप तो जानते ही, मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल बहुत सालों से सब लोग करते आ रहे हैं। अब फैशन और ट्रेंड चेंज हुआ, हमने मुल्तानी मिट्टी छोड़ के हर चीज इस्तेमाल कर लेते हैं अपने स्किन पर। जो भी नए फेस पैक्स आते हैं, रेमिडीज आती हैं, हर चीज हमें अप्लाई करनी है अपने स्किन को गोरा करने के लिए। लेकिन उन सब चक्रों में हम अपने स्किन को पहले से भी कहीं ज्यादा डल और बेजान बना देते हैं, जिससे हमें पिंपल, रिंकल, मतलब टाइम से पहले हमें झुर्रियां आ जाती हैं। इन सब से दूर कैसे रहना है, ये हमारे लिए क्या बेनिफिशियल है, मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक कैसे रेडी करना है आपकी स्किन ग्लो के लिए, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो करना है बहुत ज्यादा लाइक, बहुत सारा शेयर, और वही बेल आइकन उसको प्रेस करना कभी नहीं भूलना, ताकि आपसे मेरा कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने क्या लिया है, फर्स्ट मुल्तानी मिट्टी, सेकेंड चीज हमने क्या ऐड करनी है, कोकोनट ऑयल, कोई भी आप कोकोनट ऑयल ले सकते हैं। तीसरी चीज हमें ऐड करनी है इसमें दही, दही का इस्तेमाल करना है। अब तीनों चीजों को कैसे इस्तेमाल करना है और उनके फायदे क्या हैं, अब वो जान लेते हैं। पहली चीज का फायदा क्या है, दही हमारी क्या करती है, स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करती है। टाइम से पहले अगर आपको एजिंग ना आए, उससे हमारी स्किन को बचाती है। अंदर से उसके जो बैक्टीरिया होते हैं दही के अंदर, हमारी स्किन के ओपन पोर्स को, एकदम जो क्लोज हो चुके हैं उनको ओपन अप करती है, स्किन में जान डाल देती है। दूसरी चीज, मुल्तानी मिट्टी, जो मैंने सबसे आपको बताया कि कितनी बेनिफिशियल है मुल्तानी मिट्टी आपके लिए। मुल्तानी मिट्टी से क्या होता है, जितनी भी हमारी स्किन की डेड लेयर है, अपर लेयर जो डेड हो चुकी है, वो बिल्कुल ठीक हो जाती है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगी। आपका जितना भी सन टैन है वो स्किन से बिल्कुल चला जाएगा। साथ में फ्यूचर में आपको पिंपल प्रॉब्लम ना हो, अगर आपको है तो वो भी दूर हो जाएगी, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी में ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो आपकी स्किन से एक्स्ट्रा ऑयल को सक करके आपकी स्किन को एकदम नीट एंड क्लीन बना देते हैं। अब जान लेते हैं इसमें कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल मैंने क्यों किया है, कोकोनट ऑयल का क्या बेनिफिट है। नारियल तेल जो होता है, अगर हम इसमें इस्तेमाल करते हैं उसका, तो नारियल तेल में पुराने से पुराने अगर आपकी स्किन पर दाग धब्बे हैं, पिंपल मार्क्स हैं, तो वो बिल्कुल चले जाएंगे। आपने सुना होगा कि जहां से भी स्किन आपकी डल पड़ गई है या पुराने मार्क्स हैं, अगर आप नारियल तेल का इस्तेमाल करते हैं तो धीरे धीरे वो उनको लाइटन कर देता है और आपकी स्किन को एकदम ब्राइटन कर देता है, आपकी स्किन एकदम चमकदार हो जाती है, ग्लोइंग हो जाती है। तो इन सब चीजों के लिए मैंने इन तीनों का इस्तेमाल किया है। इसका फेस पैक आपको लगाना कैसे है, क्या रिम कैसे तैयार करना है, अब वो जान लेते हैं। आपको क्या करना है, एक चम्मच आपको दही लेना है, फ्रेश दही, थोड़ा सा उसमें आधा चम्मच मुल्तानी मिट्टी ऐड करना है, और साथ में आधा चम्मच आपको नारियल तेल उसमें ऐड कर लेना है। इनको अच्छे से इनको मिक्स करके इनका पेस्ट बना लेना है। जब भी आप कोई रेमेडी बनाए तो हमेशा एक कांच का बाउल इस्तेमाल करें, कभी भी रेमेडी दूसरे किसी बर्तन में नहीं बनानी चाहिए। चम्मच की सहायता से अच्छे से इसको आप मैश कर लीजिए, ताकि इसमें लम्स ना रह जाए, यानी गुटकियां सी ना रह जाए, एक प्रॉपर स्मूथ पेस्ट बनकर रेडी हो जाए। तो यहाँ अगर आप तीनों को मिक्स करते तो आपका फेस पैक रेडी है। आप जान लेते हैं इसको लगाना कैसे है और किस टाइमिंग पे लगाना इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, कोई भी रेमेडी या कोई भी फेस पैक आप कभी भी मॉर्निंग में इस्तेमाल मत करें। जब भी आपको फेस पैक लगाना हो तो रात को सोने से पहले लगाएं। जब आपका सोने का टाइम है, अपने फेस को पहले अच्छे से क्लीन कर लें किसी भी फेस वॉश से। जो भी फेस वॉश इस्तेमाल करते हैं, ये ध्यान रखें कि वो हर्बल है, केमिकल्स ना हो। अच्छे से उसको धो लें और जेंटली उसको पोंछा करें, रगड़ के मत धोया करें, ना ही रगड़ कर पोंछा करें, उससे हमारी स्किन पैची हो जाती है, डार्क हो जाती है। ज्यादा साबुन रगड़ के धोएंगे इसका मतलब ये नहीं कि आपकी स्किन गोरी हो जाएगी, ओरिजिनल कलर आपका चेंज हो जाएगा, बल्कि आपकी स्किन पहले से भी डल हो जाती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है फेस धोने के टाइम। जब आपने फेस धो लिया, उसके बाद इस पेस्ट को ज्यादा पतला नहीं बनाना, ज्यादा थिक नहीं बनाना, नॉर्मल रखना है। जैसे आप कंसिस्टेंसी देख रहे हैं वीडियो में, नॉर्मल लगाना है आपको। अपने फिंगर से आप लगा सकते हैं, पूरे अपने फेस पे, ईयर्स पे, नेक पे, सारी जगह इसको अप्लाई कर लीजिए। साथ में उंगलियों की सहायता से भी लगा सकते हैं आप, या ब्रश की सहायता से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी फेस पैक या स्क्रब आप इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा अपने ईयर्स को और अपने नेक को कभी मत भूलें, नहीं तो आपकी स्किन में टोन में डिफरेंस आ जाता है, नेक काली रह जाती है और फेस नॉर्मल हो जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखें, लगाकर छोड़ दें 10 से 15 मिनट, इतना मत सुखाएं कि वो बिल्कुल क्रैक होने लगे। कोई भी फेस पैक आप नॉर्मल जब सूखता है तभी उसको हल्के हल्के हाथों से पानी का पहले मॉइस्चर अपने फेस पे लगाएं, उसके बाद उसको रब करना स्टार्ट करें। अगर आप कोई भी फेस पैक जरूरत से ज्यादा सुखा देते हैं तो आपकी स्किन पर फाइन लाइंस, यानी यहाँ पे जो आपकी स्माइल होती है, बहुत सारी लाइंस पड़ने लगती है और टाइम से पहले बुढ़ापा यानी झुर्रियां आ जाती है। तो फेस पैक को कभी ज्यादा नहीं सुखाना, नॉर्मल सुखाना है, 10 मिनट इनफ होते हैं। आपकी स्किन खिंचाव नहीं होना चाहिए ऐसा हो, और हल्का पानी पहले लेना है हाथों में, अपने फेस पर ऐसे ऐसे लगा देना है ताकि वो सारी जगह से सॉफ्ट
हो जाए, कहीं से आपकी स्किन खींचे नहीं, क्योंकि जहाँ खींचेगी वहीं आपका रिंकल आ जाएगा। तो अब आप मुझे बताइए आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। एक चीज और बता देती हूँ, कोई भी फेस पैक आप लगाते हैं तो धूप में जाने से पहले, धूप नहीं हो तो भी, सनस्क्रीन का इस्तेमाल जरूर करें, जो आपकी स्किन पे जितने भी यूवी रेज या डस्ट पड़ती है उससे हमारी स्किन को प्रोटेक्ट रखता है, तो आपके फेस पैक का ग्लो और बढ़ जाएगा आपकी स्किन पर। आपको मेरा ये वीडियो इतना ही पसंद आ रहा है तो कर दीजिए बहुत ज्यादा लाइक और बहुत ज्यादा शेयर। मैं आपके लिए ऐसी ही रेमेडीज, ऐसे ही चीजें, फेस पैक्स और आज ऐसे ही स्क्रब्स लाती रहूंगी, डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो आपके रंग को निखार देगा नेचुरली बिना किसी केमिकल के। तो आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना मत भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।